अगर आप एक Adobe Premiere Pro वीडियो एडिटर हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स दूंगा जिनकी मदद से अपनी वीडियो को आप बहुत बेहतर एडिट कर सकते हैं और यकीनन आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा। तो दिस इज शफ़ाद अहमद और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप यकीनन आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कॉमन है और ये फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ये है कि आप अपनी क्लिप्स को कलर दे सकते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस आउट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर जब कोई चीज़ लेकर आता हूँ, जैसे मैं अगर ये ऑडियो लेकर आता हूँ तो यू नो दैट कि जब कोई ऑडियो होती है तो वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है, ऐसा ही है। जब कोई इमेज होती है ज़्यादातर या एडजस्टमेंट लेयर होती है वो पिंक कलर की होती है। तो अगर मैं एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से अपनी टाइमलाइन पे ले आता हूँ तो अब देखो ये है पिंक कलर की। इसी तरह से अगर मैं अपनी फुटेज लेकर आता हूँ तो ये फुटेज ज़्यादातर होती है, जो भी वीडियो होती है वो लाइट ब्लू कलर की होती है। आपने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए प्रीमियर में। लेकिन ये कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मेरी टाइमलाइन में कोई चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑडियो और ले आता हूँ ये वाली, ठीक है। अब देखो दो ग्रीन कलर की चीज़ें हो गई। जब हम लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो ये मिक्स होंगी, तो मैं किसी एक चीज़ का कलर राइट क्लिक करके यहाँ से लेबल में आने के बाद चेंज कर सकता हूँ। तो आई कैन मेक इट लाइक ब्राउन, तो अब देखो ये वाली ऑडियो ब्राउन हो गई। फिर जब हम उसका एडिटिंग कर रहे होंगे तो हमें याद रहेगा अच्छा ब्राउन वाली में ये काम करना, तो ग्रीन वाली जो थी ना वो तो म्यूज़िक थी उसको हमने छोड़ दिया। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यही नहीं, ऊपर जहाँ हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहाँ भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिर जब हम उनको टाइमलाइन में लाएंगे तो वही कलर होगा। ये बता रहा होता है देखो इनका लेबल इस वक्त ये सारे ब्लू हैं, ये ग्रीन है, ये पिंक है और ये आपका जो फोल्डर है ना ये येलो कलर का है। फोल्डर को जब मैं ओपन करूँगा तो उसमें भी 3 वीडियोज़ हैं। सो मैं ये चाहता हूँ इस फोल्डर की जो वीडियोज़ है ना उनका कलर जब भी मैं लेकर आऊँ तो मैं यहाँ से इनका लेबल यहाँ से कर दूँगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन 10। तो अब मैं जब ये कोई भी क्लिप लेकर आऊँगा तो ये येलो कलर में आएगी और ये बहुत ज़्यादा काम आती है आपकी, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल एक व्लॉग बनाते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 कैमरे हैं, 2 कैमरे हैं और एक माइक है। चलो एक मोबाइल का कैमरा है, एक मेरा कैमरा है जो मेन और एक माइक है। तो माइक की सब चीज़ों को मैं एक कलर का दे दूँगा, म्यूज़िक का कलर मैं अलग कर दूँगा और जो एक कैमरे की फ़ोटेज है उनका कलर अलग और दूसरे कैमरे की फ़ोटेज इसका कलर अलग। तो जब मैं उनको एडिटिंग कर रहा हूँगा तो वो टाइमलाइन में उन्हीं कलर्स के साथ आ रही होंगी और ये बहुत काम आने वाली एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इतनी कॉमन नहीं है लेकिन आपका टाइम बहुत बचा सकती है और बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो ये है कि जब हम कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है और इसके अंदर मुझे कोई इफेक्ट लगाना है, ब्लर लगाना है फॉर एग्जांपल, या तो ब्लर लगाना है और इफेक्ट लगाना है स्लाइड शो वाला, क्या ऐसे जूम होती जाए, उसका तरीका क्या होता है कि आप उसको इफेक्ट को लेते हैं और फिर ला कर ड्रॉप करते हैं अपनी फुटेज पे, फिर लगता है। जैसे मैं दिखाता हूँ नॉर्मल तरीका क्या होता है, 90% लोग इसका यूज़ करते हैं कि जैसे मुझे इस पर ब्लर लगाना है तो मैं कैमरा ब्लर सर्च करता हूँ, ये आ गया, इसको मैं खींच के लाऊंगा और यहाँ ड्रॉप करूँगा तो देखो वो ब्लर हो गई। अब बार बार खींच के लाते 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 ना फिर बहुत ज़्यादा इसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसका तरीका क्या है, कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने ब्लर हटा दिया, अब नहीं है देखो इसमें ब्लर, कैमरा ब्लर यहाँ पे नहीं है। मैं इफेक्ट में आऊँगा और कैमरा ब्लर पे सिर्फ डबल क्लिक करने से भी आ जाती है, कोई भी इफेक्ट आप डबल क्लिक करें और ये इसके ऊपर लग गया। शर्त यह है कि वो क्लिप सेलेक्ट हुई भी हो। तो ये आपके पास एक दूसरा शॉर्टकट है कि जिससे आप डबल क्लिक करेंगे और जो भी इफेक्ट आप क्लिप सेलेक्टेड होगी उसमें वो इफेक्ट लग जाएगा। तो ये आपके पास थी दूसरी चीज़। तीसरी और चौथी दोनों चीज़ें आपको मैं स्लो मोशन से रिलेटेड बताता हूँ कि जब प्रीमियर में हम स्लो मोशन पे या स्पीड की ड्यूरेशन पे काम कर रहे हो तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे अपनी कोई क्लिप लेकर आता हूँ, इसको हम ऐसे रख देते हैं, अब प्ले करते हैं ज़रा, ये देखते हैं किस बारे में है। ये कोई बंदा गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। अब इस क्लिप को मुझे चाह रहा हूँ कि स्लो मोशन हो जाए, तो उसका तरीका ये, पहले तो मैं अपना पार्ट लूँगा छोटा सा, जैसे ये पार्ट है, यस, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिया, ये पार्ट डिलीट किया मैंने और अब मेरे पास ये 2 सेकंड का पार्ट आ गया। इसको मुझे बड़ा करना है तो मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ ज़ाहिर है, और इसके ऊपर मैं स्पीड ड्यूरेशन में आऊँगा और इसकी स्पीड में कर देता हूँ 40%। अभी ऐसे हो गया, मतलब प्रॉब्लम इस कि इसमें जो है ना फ्रेम आने लगते हैं, अटकने लगता है, जब इसको हम स्लो कर देते हैं तो फ्रेम 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 अटकने लगता है। अगर मैं इसको ऐसे ही रेंडर कर दूंगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, इसके आप आएंगे टाइम इंटरपोलेशन में और यहाँ से आप इसको कर देंगे ऑप्टिकल फ्लो। अब ये यहाँ तो इतना पता नहीं लगेगा लेकिन जब ये वीडियो रेंडर हो जाएगी तब आपको वहाँ पर इसके अंदर एक स्मूथ फील नज़र आएगी। और अगर यहाँ पर भी इसका प्रीव्यू देखना है तो हम इसको यहाँ से सीक्वेंस में आने के बाद रेंडर इन टू आउट कर सकते हैं, इसको रेंडर कर लेगा, उसके बाद हमको यहाँ पे भी स्मूथ नज़र आ जाएगा। अब पहले ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेम फील हो रहे थे इस वीडियो के अंदर, मैं शायद साइड बाय साइड कंपैरिजन लगा भी पाऊँ, और अब हम देखते हैं ज़रा, ये आप देखो ये कितना स्मूथ सा फील हो रहा है।
अब ये देखो वो लॉक कितना स्मूथ सा फील हो रहा है, मैंने उसी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रीमियर का एक बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है, और वही चीज़ जो पहले थी मैं इसको साइड बाई साइड ला कर दिखाता हूँ कितना आपको फील हो रहा था कि अटक अटक के चल रही है वीडियो। तो ये हमारे पास थी तीसरी टिप। चौथी टिप और बहुत ज़बरदस्त टिप है जो कि आपके काम आ सकती है बहुत सारे क्लिप्स को व्लॉग्स को एडिट करते हुए, वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पूरा ये क्लिप है ये उसी साइज़ का हो जिस साइज़ की मेरी ऑडियो है बिल्कुल। अब उसका एक तरीका तो ये है कि उसको यहाँ से छोटा कर दूँ पकड़ के, तो फिर तो जो उसका मटेरियल है वो भी कट जाएगा, आएगा जो चीज़ है वो नहीं आएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी मैंने इसको इसकी स्पीड स्लो की हुई है, इसकी स्पीड मैं सेट कर दूँ कि उतनी स्पीड में बिल्कुल यहाँ के ख़त्म हो जाए। उस स्पीड को अगर हम मैनुअली सेट करें, राइट क्लिक करेंगे हम स्पीड ड्यूरेशन पाएंगे, और यहाँ से मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 90, तो अभी छोटा हो गया। फिर मैं इसको चलो फिर बजी स्लो करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 70, तो अब ये ऑलमोस्ट करीब 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 पूरा फिल हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल जहाँ पे ये ऑडियो ख़त्म हो रही है ना इस जगह पे आ जाए, यहाँ पे मार्क लगाता हूँ इस जगह पे आगे ख़त्म हो जाए, तब उसको फिर मैं 70 से 60 करूँगा। तो ये एक बार तो किया जाता है लेकिन बार बार फिर अगेन पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है प्रीमियर के अंदर कि हम आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, आर आर इज़ फॉर रिपल एडिट, और यहाँ से मैं आखिर से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से और यहाँ ला कर ड्रॉप कर दूँगा। अब ये क्लिप क्रॉप नहीं हुई है, इसने इसकी स्पीड को इतना एडजस्ट कर दिया कि बिल्कुल ये साउंड इफेक्ट के साथ साथ आके ख़त्म हो जाए। यानी आर प्रेस करके हम क्लिप को जहाँ तक खींचेंगे जहाँ तक छोटा करेंगे वहाँ तक स्पीड के साथ एडजस्ट हो जाएगी पूरी क्लिप। तो इसकी शॉट की आर थी और चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। एक दफ़ा प्ले करते हैं। अच्छा ये वापसी थोड़ी सी हैंग हो रही क्योंकि ये लाइन है ये रेड हो गई है, इसका मतलब ये अभी रेंडर्ड दोबारा नहीं है, उसको दोबारा रेंडर कर लेंगे तो ये फिर से स्मूथ हो जाएगी। अब पांचवी चीज़ वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक वीडियो लेकर आता हूँ यहाँ पे, मैं ले आया। अब ये वीडियो है करीब कोई 8 मिनट की, ठीक है। इसको जब हम रेंडर करेंगे तो उसका हम साइज़ सेट कर सकते हैं कि कितने साइज़ की वीडियो उसमें रेंडर हो, और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी, वो चीज़ हम किस तरह सेट करते हैं प्रीमियर के अंदर बहुत सारे लोगों को पता होगी और ऑब्वियसली पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं प्रीमियर पर तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि जब हम यहाँ पर आते हैं अपना नाम वगैरह सेट करते हैं, नीचे आने के बाद ये मोर वाला टैब ओपन करने के बाद यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ से हम अपनी फाइल का जो एक्चुअल साइज़ है ना वो सारा यहाँ मैटर करता है, कितना उसका बिट रेट होगा। अब वो बिट रेट क्योंकि इस वक्त 6 Mbps है जो कि मैं रखता हूँ यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए, तो इसका मतलब इस फाइल का साइज होगा 419 MB, 8 मिनट की वीडियो 400 MB की होगी। जो नॉर्मली गलती करते हैं बहुत सारे बिगिनर एडिटर वो ये है कि जो फाइल का साइज यहाँ होता है वो जाने देते हैं। तो अब यहाँ फॉर एग्जांपल 20 लिखा हुआ है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 20, तो 20 पे आप देखो ये 1.3 GB की वीडियो बनेगी। अब वो फाइल साइज क्योंकि बड़ा हो गया तो उसको कॉपी करने में, उसको अपलोड करने में, उसको डाउनलोड करने में, हर चीज़ में टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। अच्छा क्वालिटी बेहतर होगी ऑब्वियसली, बट YouTube पे जब आपने अपलोड करनी है, YouTube ऑटोमेशन वीडियो है वो सब बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी YouTube कंप्रेस कर देता है वीडियो को, वो उतना अच्छी क्वालिटी रखता भी नहीं है। तो जहाँ 20 है ना, 20 और 10 आप रेंडर करेंगे और YouTube पे अपलोड करेंगे तो बहुत ही को मान्य सा फ़र्क होगा। तो फॉर YouTube ऑटोमेशन वीडियोज़ या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली रील्स, उन पर आप इसका 5 या 6 Mbps भी रखेंगे इसका अगर बिट रेट, तो वो क्वालिटी आपकी इनफ रहेगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। कहीं कहीं अगर फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग वीडियो है जहाँ पर आपको या कोई रियल एस्टेट वीडियो है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वहाँ 20 या 30 सेट करेंगे बिट रेट अपना। सो बिट रेट को सेट करने से अपनी फाइल का साइज़ सेट कर सकते हैं जो कि आपका टाइम बचाएगा अपलोड और डाउनलोड होने के अंदर। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है और इस तरह की मजीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पूछते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, और लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देख सकते हैं और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। दिस इज शाफ़ाद अहमद, आई विल सी यू सून विद अदर वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।